सारे कार्ड्स वगैरह सब कुछ है, ए टू जेड सब चीज ही रखा है मैंने इसमें। कम बोला कर यार, ये व्लॉग के चक्कर में साला मेरा खाना बर्बाद करेगा आराम ही। किसी दिन से मिलना आया था लेकिन मेरे को नाश्ता पहले दे दिया आंटी, थैंक यू। तो नाश्ता करते हैं। ओए नाश्ता नीचे से लेके आया मेरा, चल जो तेरा है वो मेरा है। नहीं, जो मेरा है वो मेरा ही है। हाँ चाय भी दे दो। तो ये भी अपना घर है, आते साथ ही में नाश्ता मिल जाता है आने से पहले ही, हमारे आने के खुशी खुशी से ही नाश्ता तैयार हो जाता है। क्यों? और ये देखो तुम्हें नहीं मिलने वाला, ये मैं सोचे तेरा है। ठीक है भैया, मेरा तो तेरा नहीं है, ये मेरा है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग शुरू हुआ है सीधा भाई साहब के घर से और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद आपको आगे दिखा दें आगे का सीन। अभी मैं कॉलेज से जस्ट अभी गया, एक बज रहे हैं और एक बजे कम बोला गया। उठा ले अपने 13 का कॉल, आईफोन 13 प्रो मैक्स 13। तो फाइनली हमारे भाई ने नया 13 ले लिया है। चैलेंज हो गया लोग, कमेंट करके बताओ भाई कॉलेज के ड्रेस में स्मार्ट कितना लगता है। ये पागल लगता है लोग, गाड़ी भी बढ़िया लग रही है ना, कमेंट में बताओ। अरे क्या करना चाह रहे हो? पैसे वाला बंदा सारे। लेकिन आंटी के हैं, आंटी आपका बेटा ऐसा है, आप क्या बोलना चाहोगे अपने बेटे के लिए? मेरे दोनों बेटे निकम हैं। दूसरा सोच रहे होंगे कौन? दूसरा ही है। आंटी ने हमें हमेशा अपने बच्चे की तरह ही देखा है। क्यों आंटी? बहुत सारा प्यार है आंटी की तरफ से, फुल सपोर्ट भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर, पहले बोलो फिर दिखाऊंगा। पहले बोलो, बोलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर ब्लॉग चैनल। ये बोलो सिस्टम। अब बोलो कि गाइस सब्सक्राइब कर दो। ये भारी हो गया क्या? ये थोड़ा भारी हो गया। चलो ठीक है, बोल दो कि गाइस बोलो गाइस मेरा बस यही तक ही था। चलो ठीक है, बोलो बाय, बोल दो बोलो बाय। नहीं मैं जा रहा, बाय। नहीं जाऊं? क्यों? आप मुझे चॉकलेट दोगे? पक्का आप दोगे ना मेरे को चॉकलेट? नहीं आप दोगे ना चॉकलेट? कहाँ है? नहीं आप दोगे ना मेरे को चॉकलेट? जाओ आप अपनी मम्मी से मांग के लाना चॉकलेट, मेरे को दे देना। ठीक है पक्का? पक्का। अब मैं जाऊं, बाय। तबीयत कैसी है भाई? अब रिप लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर तो देख शाहरुख खान, ऐसा लग रहा शाहरुख खान को टाइपॉड हो गया भाई, ऐसी हालत में मत भेजा। टाइपॉड क्या होगा? टाइपॉड टाइपॉड। लेट्स गो ब्रो। तो गाइस आप लोगों को एक बहुत भयंकर वाला सीन बताता हूँ मैं। अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं शाम का टाइम माजरा से आ रहा था यहाँ पीछे आईएसबीटी की तरफ से, तो मेरे पास ये रहता है वॉलेट, हमेशा मैं ये लेके चलता हूँ अपने साथ। इसमें मेरे सारे कार्ड्स वगैरह सब कुछ है, ए टू जेड सब चीज ही रखा है मैंने इसमें। और ये देखो ए टू जेड सब कुछ है। मुझे बताने आया है ना? बताने आया है। तुझे भी इन्हें भी। तो ये मेरे पॉकेट से गिर गया था, पता नहीं कैसे गिरा। अब वहाँ पे कोई भला इंसान रहा होगा, उन्होंने मेरा आधार कार्ड में पूरा एड्रेस देखा और घर तक ये छोड़ने हैं, घर तक। तभी बोला था इनको डिजिटल लॉकर डाउनलोड कर लो गरीबों को, ये पेड प्रमोशन नहीं है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर सेम ब्लॉग। तो अभी हम दोनों थोड़ा बाहर जा रहे हैं, रात के 10 बजने वाले हैं और इस बार मैं सही टाइम बोल रहा हूँ, एकदम सच 10 बज रहे हैं पूरे। बाहर जाएंगे, थोड़ा काम है हमें, वो काम निपटाने। नहीं भाई झूठ बोल रहे हो, काम घूमने, जब देखो काम है। काम है गाइस, काम है। अभी मैं आपको कल आउट ऑफ स्टेशन भी लेके जाऊंगा यूपी। सिस्टम को बदनाम, बाहर आओ वरना कर देंगे हम आपका काम तमाम। कौन कर रहे सिस्टम को बदनाम, बाहर आओ वरना हम तुम्हें कर देंगे। कौन कर रहा है सिस्टम को बदनाम, बाहर आओ वरना कर देंगे हम तुम्हारा काम तमाम। यह गेट इट। माय गॉड,
और ये चेक करें आप, आखिरकार रास्ता बनने ही वाला है हमारा यहाँ का। बने अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अब तो 4x4 है ब्रो। लेकिन ये चेक करें आप, खुशी सी होती है ना जब अपने ये खटारा रोड पिछले 7 साल से जो ठीक नहीं हो वो अब ठीक हो रहा है, तो खुशी खुशी सी होती है थोड़ी बहुत, समझ जाइए। अब ये देखो, ये सामने देखो, देखो ये तो खराब हो जाएगा। इसे इतनी बड़ी हाथी नहीं दिख रही, ये फिर भी लाया जा रहा है। भाई तेरा है ये घोड़ा लंबी रेस का। अगर आप लोगों ने इससे बुरा रास्ता देखा है तो बताएं। गांव का प्रधान है, पैसे को पैसा खा रहा लेकिन रोड ना बनवा रहा। काम निपटा दे फिर मिलते हैं। प्राइवेट बात है। अभी महंगा 100, इतनी महंगी गाड़ी और 100, इतनी महंगी और 100 रुपए का ये लगाओगे तो भाई हिलेगा ही। पिछले आधे घंटे से चार्ज लगा रहा हूँ, महंगा 10% था, 5% हो चुका है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लॉग कैसे बनाऊँ। ये बंदे मतलब 100 का नहीं है। कल मैं जा रहा हूँ कानपुर, ठीक है, तो कानपुर में किसी काम से जा रहा हूँ, तो मेरे को ये नहीं पता है कि ब्लॉग मैं डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा कानपुर का, लेकिन जैसा भी जो भी होगा ना मैं आपको अपडेट कर दूंगा।